वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। हम लोगों ने मंगाया था फ्लिपकार्ट से एक मेडिकल बॉक्स जो हम लोगों की घर की दवाइयों में दवाइयों को रखने में काम आ सकता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो कहाँ से काटते हैं? जहाँ से काटते हैं इधर से खोल सकता है। ऐसे मैं खोल देता हूँ और ये और पैकेजिंग भी खोल रही है। हो जाओ ओपन। तो गाइस मैंने ऐसे ही फाड़ दिया, मुझसे फटा नहीं, तो मैंने सीजर से और सही आ रहा और फाड़ना पड़ेगा। तो ये रहा मिल्टन का फर्स्ट एड बॉक्स। अभी तो हमने खोला नहीं है पर क्वालिटी के पॉलीथीन की थी वो अच्छी है थोड़ी। गाइस मिल्टन का है रियल फर्स्ट एड बॉक्स। तो चलो ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। तो अभी इसे निकालते हैं बाहर आराम से एकदम। तो ये रहा और पत्ते का बॉक्स को साइड में कर देते हैं। तो पॉलीथीन को भी हटा लेते हैं। और ये रहा पकड़ने के लिए अगर कहीं जा रहे हो। और इसमें स्टिकर्स भी हैं। पहला है थर्मामीटर या किसी दवाई की ट्यूब का और इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये जो पोर्शन है वो है थर्मामीटर या कोई मेडिसिन की ट्यूब का। और कैप्सूल का आई थिंक ये होगा टैबलेट्स का। और इसके साइज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बैंडेड वगैरह का इसमें होगा। तो वैसे इसमें टू स्टेजेस हैं, जैसे एक ये है जो निकल सकती है और एक ये है फुल 250 ml। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्लिपकार्ट ने प्रोडक्ट भेजा है इसका प्लास्टिक काफी अच्छा है और अंदर का इंटीरियर का प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो इसमें हम लोग काफ़ी सारी दवाइयाँ रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बैंडेड, यहाँ पे टैबलेट्स वगैरह और यहाँ पे थर्मामीटर या कोई मेडिसिन की ट्यूब। तो अभी मैं आपको दवाइयों को अरेंज करके दिखाता हूँ कि कैसे रख सकते हैं। तो गाइज मैंने, आप सब देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसमें मेडिसिन अरेंज कर दिए, ठीक है। और ये है ऊपर वाला पोर्शन जिसमें, जैसे कि मैंने बोला था, ये ट्यूब और थर्मामीटर का है तो मैंने ट्यूब और थर्मामीटर रख दिए यहाँ पे। और ये है टैबलेट्स जो कि मैंने टैबलेट वाले कॉर्नर में रख दिए। और ये है बैंडेड और कुछ विक्स वगैरह में मैंने ऐड कर दिया है। वैसे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही पसंद भी आया है। तो फ्लिपकार्ट ने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें दिया है।